हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अभी अभी एक बहुत ही बुरी खबर सामने निकल के आई है। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि भारतीय रेल की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेन है, जो कि चेन्नई सेंट्रल से शालीमार के बीच चलाई जाती है, आज अभी फ्राइडे की शाम को ट्रेन का बहुत ही बड़ा मेजर एक्सीडेंट सामने निकल के आया है। उड़ीसा में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ट्रेन अचानक डिरेल हो जाती है, जिसमें 300 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं और 50 से ज़्यादा मौतों की अभी तक पुष्टि हुई है। भारतीय रेलवे की रेस्क्यू टीम वहाँ पे आ चुकी है, रेस्क्यू किया जा रहा है। जिन लोगों को भी हेल्पलाइन या फिर जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी का कोई साथी या फिर कोई जानकार अगर उस ट्रेन में सफ़र कर रहा हो या फिर कर रही है, और अगर हेल्पलाइन की ज़रूरत है तो स्क्रीन पर आपको नंबर जो शो हो रहे होंगे, आप हेल्पलाइन पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही बेहद ही बड़ा हादसा ये सामने निकल के आया है। आखिर क्यों हुआ यह हादसा, इसकी पुष्टि अभी करी जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि ट्रेन मात्र 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जीरो की स्पीड तक आने में ट्रेन ने मात्र 20 सेकंड लिए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर कितना बड़ा ये ट्रेन हादसा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि रेस्क्यू जल्दी जल्दी ख़त्म करें, लेकिन अभी फ़िलहाल जिन जिन लोगों को इंजर्ड हुए हैं, यानी कि जो लोग इंजर्ड हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। जिन जिन लोगों की जान बचाई जा सकती है उन लोगों की जान बचाई जा रही है, क्योंकि भारतीय रेलवे की रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है और रेस्क्यू जारी है। इसके अलावा जो भी अपडेट होगा मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिए और हेल्पलाइन नंबर मैंने दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, उस पर कमेंट करके कोई भी आपका अगर साथी है तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके जानकारी ज़रूर लें। धन्यवाद।